वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह, सत श्री अकाल, नमो बधाए, जमनवाद साथ, सलाम अलकुम साथी, जय जोहर साथी हो। वॉइस ऑफ मान ऑफ द टीवी आपका अपना टीवी चैनल है, लाइक करें पेज को और इसको लाइक करके हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल भी, उसको भी लाइक करें साथी हो। बहुत सी बातें आप सभी ने सुनी होंगी और एक ख़ास बात सुनी होगी, अपने आस्तीन के सांप कैसे होते हैं कि जो जिसका खाते हैं या जिस कौम में पले बटे होते हैं, जिसका मतलब वो करते हैं तो उसी को ढस लेते हैं, ऐसे उसको आस्तीन का सांप कहते हैं, या जिसके घर में रहते हैं उसको खाने के दौड़ते हैं, मतलब ऐसा करते हैं। और बहुत सारे आप लोगों ने देखा होंगे कि सिख हिस्ट्री को तोड़ने के लिए गलत चीज़ें बयान की जाती हैं। तो एक जो बहुत सारे ऐसे हैं, इनके जो RSS ने जो राष्ट्रीय सिख संगत बनाया है उसमें से बहुत सारे दुम छल्ले या उनको कह सकते हैं नकली सिख खड़े किए गए हैं, जो सिख धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जज़ब करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, इसमें मतलब जो हिंदू धर्म का एक हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि ये हम आपको वीडियो सुनाना चाहते हैं, किसी की फेसबुक से हमने उसको उठाया है, तो इसमें दिखाते हैं कि उसने क्या क्या बोला है, उसका हम जवाब भी देंगे और एक वीडियो और दिखाएंगे आपको, जिसने आज दिल्ली के अंदर खड़े होकर उसने अपील की है, वो कौन है, किसकी से मुलाकात है, तो हम ये वीडियो सुना देते हैं आपको जी। और जो लोग इसका इतिहास नहीं जानते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब विदेशी आक्रमणकारी हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे तो हिंदू धर्म के सिपाही, सिख कोई अलग से धर्म नहीं है, हिंदू धर्म की एक शाखा है, जैसे हिंदू धर्म की जैन शाखा है, ये तो राजनीति ने नाटक कर रखे हैं, वो बात अलग है। देखो इसने बोला इसमें कि सिख धर्म हिंदू धर्म के सिपाही, ऐसा इसने बोला। अब ये सिख, ये इसको मैं क्या कहूँ, इसको कुछ नहीं कहता मैं, लेकिन जो ये मतलब खड़ा है वहाँ पर, जहाँ पर बोल रहा है वहाँ से एक ये पर बैठे हैं, जैन धर्म के अनुयायी हुए, जैन धर्म के गुरु होंगे शायद ये बैठे हैं, वो भी हाँ गर्दन हिला रहे हैं कि वो जैन धर्म को भी कह रहा है। लेकिन सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया, किसी के सिपाही के नहीं, वो मानवता के लिए सजाया है, खुद के लिए सजाया है। तो आओ उसकी सुनते हैं जी। ईमानदारी की बात है, मैंने आपको बताऊं, मेरे पिताजी ने मेरे चाचा जी को कहा कि लड़का बिगड़ा हुआ है, इसको समझाना। उन्होंने समझाया तो मैंने उससे पूछा कि भाई गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान किसके लिए दिया, बोले हिंदू धर्म के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने किसके लिए दिया, हिंदू धर्म के लिए। भाई उन्होंने ईसाई धर्म के लिए क्यों नहीं दिया, मुस्लिम धर्म के लिए क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो खुद हिंदू थे। एक शाखा बनाई उन्होंने ताकि दूर से पता लगे कि हिंदू है, या तो मरेगा या मारेगा। अब इसने बोला कि मतलब ईसाई धर्म के लिए क्यों नहीं दी कुर्बानी, तो ईसाई धर्म तो इसको मूर्ख को ये नहीं पता है कि ईसाई धर्म जो है उसके बाद में आया है। गुरु गोविंद सिंह जी मतलब उस वक्त ईसाई धर्म भारत के अंदर नहीं फैला था, जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजा दिया था, ये बाद में फैला, 1800 के करीब जाकर फैला है। तो मुस्लिम धर्म के खिलाफ मतलब मुस्लिम धर्म के लिए क्यों नहीं दी, इसमें ऐसा बोला। इस मूर्ख इंसान को ये नहीं पता कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में जो 500 मुरीद लेकर आए थे, वो जो पीर बुद्धू शाह, उन्होंने हिंदू राजाओं के साथ में जंग लड़ी है। तो ऐसे जो लोग हैं ये सिर्फ हिंदुओं की चाटू कारती करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने ज़्यादा। तो और सुना देते हैं बात इसकी जी। तो जो है रात के 12 बजे हिंदू धर्म के सिपाही सिख सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, अपनी बहन बेटियों को छुड़ा के लाते थे। तो बाहर जो विदेशी आक्रमणकारी कहते थे, वो कहते थे 12 बज गए। डॉक्टर हरिओम पवार की 4 पंक्तियां वो कहते हैं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का, हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चिन गए दीवारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चिन गए दीवारों में। देखिए बड़े अच्छी बात ये है हमारे प्रधान, अभी आपने सुना है कि हरिराम गुप्ता की बात लास्ट में बात की है, तो हरिराम गुप्ता अगर हिंदू है तो वो क्यों बड़ाई करेंगे, वो इस तरह मतलब वो क्यों बड़ाई करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की, जब अगर गुरु गोविंद सिंह जी हिंदू थे, हमने इनके हिसाब से। लेकिन इनको मूर्ख को ये नहीं पता कि गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो तो धर्म से, अगर इसको मान लेते हैं कि चलो सिख धर्म का हिंदू धर्म का हिस्सा मान लेते हैं,
मैं मेरा खुला चैलेंज इन लोगों को, जितने भी इनके हिंदू धर्म के आज के राष्ट्रवाद, जितने बड़े बड़े शंकराचार्य आचार्य विचार्य जितने भी बैठे हैं, सब के सब जितने हैं, सबको खुला चैलेंज है, ये साबित करके दिखा दे कि हिंदू धर्म कहीं, हिंदू धर्म को साबित करके दिखाए कि हिंदू धर्म है नहीं है। कोर्ट ने भी इसमें फैसला दे दिया, कोर्ट की बात हम कई बार उसको नहीं मानते हैं, लेकिन अगर ये कोर्ट पर यकीन करते हैं तो कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है उसको कि कोर्ट जो है हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानता। अभी जो ये बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के लिए अगर बाई चांस मान लेते हैं कि हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म किसका हिस्सा है बताएं? अगर ये भी बात मान लेते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म का हिस्सा है, तो सनातन धर्म किसका हिस्सा है? तो उसका सनातन धर्म का भी कोई हिस्सा है, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि हिंदू धर्म का हिस्सा चलो सिख धर्म है या जो भी है। पहली बात तो कोई भी किसी कोई भी धर्म, ना जैन धर्म, ना इस्लाम धर्म, ना ही ईसाई धर्म, ना ही सिख धर्म किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। ये अलग से धर्म पैदा हुए हैं और अलग से, जैसे कि अगर कोई बच्चा और किसी के वकील के घर में पैदा हो रहा, किसी के वकील के घर में पैदा हो रहा है, तो बिना पढ़े बिना वकालत वो वकील नहीं बन सकता, ये तो आम ये नॉर्मल सी बात है। और अगर कोई इंसान जज के घर में पैदा हुआ तो जज की उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये जब नॉर्मल चीज़ें हैं, एक उसको पढ़ने के बाद में ही उसको उस अवस्था तक पहुँच सकता है। तो धर्म तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो धर्म में ये किस में कैसे लड़गड़ हो सकता है? तो ये जो ऐसे जो शैतान बैठे, जो जो मतलब सिख धर्म के जो आस्तीन के सांप बने बैठे हैं, इनसे मैं एक घोरा वीडियो सुनाते हैं जो आज की है, जो आज दिल्ली में एक आरएसएस के जो उसके जो तस्वीरें भी देखेंगे आप, फोटो देखेंगे उसकी, वो इनके साथ मिले हुए क्या नाम है, जो उनके साथ मिले क्या, जो मोदी के साथ भी उसकी पिक्चर बहुत सारी आई है उसके साथ में, जो क्या नाम इसका एक बिहार का नचरिया वो गोईया क्या नाम उसका तिवारी नाम का जो बहुत जगह थप्पड़ खाता घूमता रहता है वो जैसा है, तो उसके बाद इसकी तस्वीर देखेंगे आप, तो इसका थोड़ा वीडियो सुन लीजिए। इसने बोला क्या है दिल्ली के अंदर खड़ा होगा जब ये जी दोस्तों, आज दिल्ली में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, दिल्ली में हिंदू परिवारों के ऊपर, सिख परिवारों के ऊपर, सातवां तस्वीर भी देख रहे ध्यान के साथ, दिल्ली में योजनाबद्ध तरीके से हमला कर रहे हैं। मैं अमित शाह गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि इस भजपुरा क्षेत्र में जल्दी से जल्दी मिलिट्री को लगाया जाए, क्योंकि पुलिस फोर्सेस पर्याप्त संख्या में नहीं है। दिल्ली को फौज के हवाले करा जाए, वरना ये लोग दिल्ली में जो आतंक फैला रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, दिल्ली के लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं आज इस लाइव वीडियो के तहत कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, दिल्ली में फौरन मिलिट्री को लगाया जाए ताकि यहाँ के लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप सभी ने इनकी बात भी सुनी होगी भाई साहब की, और उसके साथ साथ में जय श्री राम के नारे भी सुन लिए होंगे। तो आपने देखा ना कि जय श्री राम के नारे भी सुने आपने, और इसमें जो है इनकी बात भी सुनी आपने। तो ये जो ऐसे ऐसे जो इनकी तस्वीर देखी आपने सभी के साथ में, एक मनोज तिवारी के साथ भी तस्वीर है इनकी, और बहुत सारी इसमें आरएसएस के जो गुंडे हैं, जो ये आरएसएस के जो नकली सिख कहते हैं, जिसको खड़े करेंगे नकली सिख हैं, जो लोगों को गुमराह करने के लिए स्पेशल रखे गए हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मुसलमानों में भी होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे ईसाइयों में भी होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो खरीदे हुए लोग हैं, ये खरीदे हुए लोग हैं, और ये खरीदे हुए ऐसे हैं कि छोटे मोटे भी नहीं, भाई करोड़ों करोड़ रुपए में बहुत सारे, मतलब अभी हमें अगर कोई आपके पास में क्या सबूत है करोड़ रुपये में खरीद रखा उसको, तो सबूत तो नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो लोग किसी का गुणगान जीप से उसके चप्पल काट चाट कर उसका गुणगान करता है ना किसी का, तो ऐसे तो करता नहीं कोई किसी का गुणगान। तो ये जो गुणगान किया इसने आरएसएस का जो है कि मोदी, इसने दो तीन बातें ऐसी बोली है इसमें, एक तो मोदी को अपील कर रहे हैं उसको अमित शाह को कि भाई अमित शाह जी आप यहाँ मिलिट्री भेजें और यहाँ मिलिट्री सुख शांति करें, और दूसरी बात इसने ये जो मेन बात बोली है याद रखें उसको, कि यहाँ इस कॉलोनी में सिखों को और हिंदू परिवारों को मुस्लिम लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, ऐसा बोला इसने। अभी मुस्लिमों के ऊपर हमले हो रहे हैं दिल्ली में, अभी देखा होगा आप सभी ने, दूसरा हमारा लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं इस पर कि दिल्ली में मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं।
तो मुसलमान किस तरह दूसरे ऊपर हमले कर सकते हैं। तो ये जो बोला इसने भाई साहब ने, ये ऐसे ऐसे जो अभी लग रहा होगा आप लोगों के, ये सिख तो बिल्कुल शानदार, क्या दाढ़ी है, क्या मतलब पगड़ी बांध रखी है, क्या कैसे, मतलब इसने ऐसा लग रहा होगा भी बिल्कुल ये बिल्कुल सच्चा सुच्चा सिख है, ईमानदार, बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा। लेकिन दायां दिखाकर बायां मारना, इसको शतरंज की चाल कहते हैं, ये उसमें है महाभारत के अंदर। तो इसमें इसमें क्या है कि जो इसने बोला कि मुसलमान जो है, मुसलमान इस सिखों को और हिंदुओं को मार रहे हैं, ऐसा बोला। अब इसको कैसे पता लगा मुसलमान है, इसको कैसे पता लगा कि मुसलमान ही है, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पा रखे हैं, टोपियाँ ओढ़ रखी है, वो मुसलमान वाली है। अब ज़रूरी नहीं होता कि मुसलमान की टोपी ओढ़ कर उसमें अरे कच्छा जो कुर्ता पजामा पाको मुसलमान ही हो सकता है। ये RSS के 100% गुंडे होते हैं, जो जब मुसलमानों को मारना होता है तब टिक्के लगा के जाते हैं ये, जब हिंदुओं को मारना पड़ता है तब ये टोपी लगा कर उड़ते हैं, टोपी लगा के जाते हैं। जैसे अभी इसने बताया टोपी लगा कर वहाँ पर पहुँचे हैं बंदे। तो ये जो लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे जो शैतान हैं, जो सिखी रूप में भेष में, जो घुसे हुए भेड़िए हैं, जो कहते हैं कि एक अभी वीडियो दिखा अपने जो गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख धर्म अलग नहीं है ऐसा, तो ये जो है ना, ये गलती इनकी नहीं है, गलती इनकी भी नहीं है। जैसे इनको ट्रेंड किया गया है, जैसे इनको लगता है कि हिंदू धर्म का मतलब सारा मुख्य एजेंडा क्या है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा इनका, और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, वो तो बाद की बात है, नहीं बनेगा वो तो 100% कभी नहीं बनेगा। उसको तो आने वाले वक्त में लोग जो भारत के लोग हैं, भारतवासी देखेंगे कब कहाँ पर बनेगा। लेकिन जो है ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहे। अगर ये ऐसे ऐसे लोग कुछ बयानबाजी करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो मेरी खास करके मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि इनके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई मतलब सिखों के खिलाफ ना भड़काया जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे दुम चल रहे हैं जो RSS की जो बड़ाई करते हैं, BJP का चप्पल चाट करते हैं, या किसी की भी बारे में जो बात बोल रहे हैं, तो समझ लेना कि ये RSS के चमचे हैं, दुम छल्ले हैं जो मतलब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हम सिखों को भी अपील करते हैं, अगर कोई मुसलमान ऐसा कोई सिखों के खिलाफ बोलता है, या BJP के हक में बोलता है, या RSS के हक में बोलता है, और किसी के खिलाफ बोलता है, तो उसको समझ लेना कि सीधा सीधा ये BJP का RSS का दुम चल रहा है, या RSS का गुलाम है। क्योंकि गुलाम कभी भी अपने आकाओं से अलग नहीं जाते, गुलाम जो है होते हैं अपने आकाओं के चप्पल चाटते हैं, जूते चाटते हैं, जूते चाटने के बाद में काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जो है ना, सभी इनसे सावधान है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी हम बात करना चाहते हैं इसमें कि चाहे गुलाम 1 करोड़ में बिका हो, या 10 करोड़ में बिका हो, या 500 करोड़ में बिका हो, या 5000 करोड़ में बिका हो, या कई बिलियंस करोड़ में बिका हो, तो गुलाम एक गुलाम जैसे होता है। वो जूते के जो चप्पल चढ़ता है, चाहे मतलब कीड़े के समान होता है, जो गटर का कीड़ा होता है ना, गटर का कीड़ा होता है, तो उससे ज़्यादा औकात उसकी गुलाम की नहीं होती। क्योंकि चाहे उसके पास में ट्रिलियन डॉलर है, चाहे बिलियंस बिलियंस डॉलर है, या मतलब बिलियंस बिलियंस रुपए उसके पास में है, तो भी उसको ये गंदी नाले के कीड़े के जैसा होता है, बस इतना फ़र्क है। और जो गुलाम नहीं होते, जो गुलाम नहीं होते, जो सच बोलते हैं, वो चाहे उनके पास में पैसे हैं या नहीं हैं, वो कभी नहीं बिकते। वो हमेशा वो बादशाह होते हैं, और बादशाह बनने के लिए सच्चाई और ईमानदारी होते होनी चाहिए। गुलाम बनने के लिए तो आदमी चाहे वो पैर रगड़ ले, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी पैसे जितने मर्जी, गुलाम गुलाम ही होता है। लेकिन बादशाह बनने के लिए सच्चाई और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। और सच्चाई और ईमानदारी जिसके पास में होती है, सच्चाई और ईमानदारी जिसके पास में होती है, तो पूरे वर्ल्ड की दौलत भी नहीं खरीद सकती। पूरे वर्ल्ड की दौलत का मतलब है पूरे संसार की दौलत, चाहे सोना चांदी द्वारा जितना मर्जी हो, वो उसको नहीं खरीद सकती। क्योंकि उसको सच के साथ में सच्चाई और ईमानदारी जुड़ गई है, और जिस इंसान के साथ में सच्चाई और ईमानदारी जुड़ जाती है, वो हमेशा ही बादशाहत का बादशाह, पूरे सृष्टि का बादशाह होता है। और जिसके पास में झूठ और बेईमानी है, तो झूठ बेईमानी एक चाहे उसके पास में करोड़ों ही डॉलर हों, फिर भी वो कीड़े के समान होता है, उसके ज़्यादा भिखारी नहीं होता। तो ये है, तो इनके ध्यान दें इस बात, इन जो लोग ऐसे जो बैठे हैं, शैतान जो बैठे हैं, इनसे सभी सावधान रहे। और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी सावधान रहेंगे, और उम्मीद करते हैं इनसे बचकर रहेंगे ऐसे लोगों से, तो भड़काऊ बयान देने वालों को लोगों से बचकर रहें, और शांतिपूर्ण जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहें, जारी रखें।
एक दिन आज़ादी जरूर मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी, और इसमें सभी को सुख शांति मिलेगी, मनवाद समाप्त हो जाएगा और राज होगा भोजनों का और मूल निवासियों का और सच्चाई का राज, बेगमपुरा राज, खालसा राज जिसको कहते हैं, ये जल्द होने आएगा। थैंक यू सबका जिन्होंने कमेंट किए, पर ऐसे ऐसे लोगों से सावधान है जो ये बयानबाजी करते हैं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु, सलाम अलैकुम।